दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसके बारे में। उससे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर HAL के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आगे यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई अप्रेंटिस के लिए 2000 जो है टोटल यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो अगर आप जो ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट जो कि इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर फैकल्टी ऑफ HRD प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो रखी गई है NSC या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री, ये सब अगर किसी में भी अगर आपने क्वालिफाई यानी कि पास किए होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बोलिए मिनिमम 10 साल का आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे रखी गई जो कि फैकल्टी ऑफ HRD प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है। एंड नीचे में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो अगर आप सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोली गई है ITI पास यहाँ पे बोला गया। तो अगर आपने NTC या फिर NSC अगर पास किए होंगे ITI पास कर रखे होंगे और उसके साथ आपके पास यहाँ पे 3 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। ठीक है, नीचे में आपका जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस में यहाँ पे जो बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज, तो आपके पास गुड सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चरर यानी कि जो आपका ड्यूरेशन आपको लेक्चरर का जो सेशन यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये सब आपको जो टाइम आपको दिए गए हैं 2 घंटा से लेकर 6 घंटा तक जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट आपको रखी गई है 5 सितंबर इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जितने भी आपके पास जो क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका एक ऑफिशियल जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको जो है ऊपर में जो आपका ईमेल ID दी गई है इस ईमेल ID में जो है आपको जितने भी सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे जो है किसी भी आपका यहाँ पे PDF या फिर किसी फॉर्मेट में आपको जो है कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे भेज देना है। तो इस तरह से जो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 5 सितंबर इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है,